अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, साथ मोटर शोरूम की जानिब से। ये आज जो हम रिव्यू कर रहे हैं गाड़ी का, वो है विड्स 2010 मॉडल IEEE। IEEE मार्का ही सबसे हाई मार्का है विड्स में, और मॉडल भी सबसे ऊपर वाला मॉडल है। बस इसी मॉडल से फिर शेप चेंज हो जाती है। 2010 मॉडल है, ये देख सकते हैं आप लोग, पर्ल वाइट कलर में है। फोग लाइट्स भी आई इसमें आई हुई है, फोग लाइट्स है इसकी। और ये शेप देखिए इसकी, फ्रंट वाला बम्पर जो है इसका चेंज आया हुआ है 2010 मॉडल का। टायर दे सकते हैं, टायर भी न्यू है। कोई ख़ास डेंट वगैरह या पेंट वगैरह नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत पेंट अगर हुआ होगा तो वो भी सफाई के लिए किया होगा, क्योंकि जिन रास्तों से आता है तो इसमें लाजमी कोई टचअप आता है, तो उसको निकालने के लिए फिर उसको साफ़ किया जाता है। ये लाइट्स देखिए इसके, वो स्टार वाले लाइट्स आए हुए हैं 2010 मॉडल के, जो लाइट्स आते हैं उसमें। वेबसाइट वाले रूफ देख ले, उसकी छत जो है वो भी साफ है। इस साइड को देखें, राइट साइड को, ये भी माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा है। फुल ऑप्शन है, टच स्टार्ट है, पुश स्टार्ट, फुली ऑटोमेटिक है, देख सकते हैं आप लोग। इसका पैनल जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल, वो भी टच पे आया हुआ है। डबल मीटर है इसका, हालत देख सकते हैं आप लोग इसकी। रिट्रैक्टेबल मिरर्स है इसके, फोल्डेबल। और ये एडजस्टर है जो कि फ्रंट लाइट्स को एडजस्ट करता है ऊपर नीचे। ऑटो लॉक, डोर ऑटो लॉक है। विंडोज स्टॉप है, वो जो बटन को दबा के इसको फिर नीचे नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया जाता है। ये फ्रंट साइड वाला जो ड्राइवर विंडो है, ये ऑटोमेटिक है। और ऑटो है दूसरी जो है वो ऑटो नहीं है, ठीक है। लेदर सीट में आया हुआ है, IEEE है तो लाजमी बात है ज़्यादातर लेदर सीट में आता है। और हीटिंग सीट भी आया हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं आप लोग। हाई के साथ पैसेंजर ड्राइवर सीट जो है वो तेज़ी के साथ गर्म होता है, और लो में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है सिर्फ ड्राइवर सीट जो है। और ये इसकी अंदरूनी हालत आप लोग देख सकते, काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया हुआ है। इसका रूम देख ले आप लोग, देख सकते हैं आप लोग। इसका जो बैक साइड सीट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मूवेबल है और विड्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये आगे पीछे भी होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और नीचे को भी चला जाता है इस तरह, ये वाला सीट भी है। तो पीछे जो सामान के लिए स्पेस है वो बहुत ज़्यादा जगह इसमें खाली हो जाती है। और इसमें दूसरी ये चीज़ और विड्सों से अलग है कि इसमें टेबल आता है, टेबल इसमें आता है, ये जो जैक वगैरह पाना के लिए। ये साइड भी इसके नीचे जो है वो जो एक्स्ट्रा टायर आता है, ये थोड़ा सा अलग होता है और विड्सों से। इसका फ्रंट साइड देखते हैं फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करवा के दिखाते हैं। अच्छा, इसका फ्रंट साइड देखते हैं कि फ्रंट पे किस तरह है, ये देख सकते हैं आप लोग। इंजन इसका नहीं खुला है, बल्कि एक काबले नट पे जो है ना कोई चाबी भी नहीं रखी गई है, अभी साफ सुथरा है। 1300 सीसी है, 1300 सीसी, ये लोग काफ़ी पसंद करते हैं ना। 1300 सीसी पावर में भी अच्छा होता है, फ्यूल कंजम्पशन में भी 1000 सीसी काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी पिक और वो जो इसी पे स्टार्ट होता है तो उसकी फ्यूल कंजम्पशन और विज़ों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। स्टार्ट करते हैं इसको कि
ये डबल मीटर है इसका, फुल ऑप्शन है। बस यही है कि इसका पैनल जो है स्पीडोमीटर वो और फैन भी इसमें एक साथ आता है, स्पीडोमीटर भी आता है, दोनों जो है ना एक साथ आते हैं, डबल मीटर होता है। ये कितनी चली है ऑडो, इसकी ओरिजिनल ऑडो है, ठीक है, 85,000 चली है, ये ओरिजिनल ऑडो है। और क्लाइमेट्स कंट्रोल जो है ना इसके टच पे होते हैं, मैनुअल नहीं होते, और ऑर्बिट जो की तरह वो जो घुमाते हैं उसको ज़्यादा मैनुअली तौर पर। एसी भी स्टार्ट है इसकी, एसी स्टार्ट है। अब ये स्टोरेज के लिए जगह है, ये वाली भी है इसके साथ, तो ये भी है स्टोरेज के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी जगह है इसमें स्टोरेज के लिए। ये शायद काम नहीं कर रहा, ये भी देख सकते हैं आप लोग फ्रंट पे। अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी है, और ये भी काम करेगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये हाई पे, ये ड्राइवर सीट जो है ना वो सर्दियों में फिर गर्म होता है, और ये जो है लो है इसका, स्क्रीन कुछ इस तरह आया हुआ है, स्क्रीन मेरे ख्याल से ठीक नहीं है इसका, बफरिंग सा कर रहा है ये। और ये स्टीयरिंग की कंडीशन देख सकते हैं आप लोग, ये देख ले काफ़ी अच्छी है। ये वाली देख ले, एक गियर डोर का जो है वो देख ले, मतलब इतना इस्तेमाल नहीं है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया है। और ये सीट एडजस्टेबल भी इसके साथ आया हुआ है, सीट इसके ऊपर नीचे होती है इसके साथ। पीछे वाली सीट भी लेदर की है, और आगे सब लेदर है, लेदर भी अच्छा है इसका, इतना इस्तेमाल नहीं है, गाड़ी अच्छी कंडीशन है। अब इसकी प्राइस, आस्किंग प्राइस जो है ये 9.5 लाख है इसकी डिमांड, 9.5 लाख डिमांड कर रहा है बंदा, और इसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश होगा। ये दूसरे बंदे भी आए हैं अल्टो के पीछे, वो इसकी रिव्यू भी मैंने की थी, 2010 मॉडल है, पुश स्टार्ट है ये, इसकी रिव्यू की थी मैंने, वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और इसमें भी काफ़ी एयरबैग है, ये वाला है, उस साइड पे भी है, ये पिलर पे देख लें, इस साइड पे भी है। अच्छी गाड़ी है चलाने के लिहाज से भी, और घर के लिए भी अच्छी है, पावर के लिहाज से, फ्यूल कंजम्पशन के लिहाज से, और मेंटेनेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। आस्किंग प्राइस है इसकी 9.5 लाख, थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी इसमें, और जो भी रब्ता करना चाहे तो मेरे ख़्याल से सभी बंदों के पास अभी नंबर आया होगा, साथ मोटर शोरूम, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है गाड़ी के बारे में या किसी और गाड़ी के बारे में तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।